मिस्टर वायरल किंग, नकली करेंसी का काला धंधा चलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे फंसाया जा रहा है। आपको कौन फंसाएगा मिस्टर वायरल? देखिए इनको, लुक एट दीज बॉयज एंड गर्ल्स। ये आप ही के स्टाफ के पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए हुए लोग हैं। ये आपको कैसे फंसा सकते हैं? ये तो इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर हिंदी में बात करने वाला कोई होता तो वो ये काम जरूर कर सकता था, लेकिन वो तो एक ही था ना, भरत। आपने उसे अरेस्ट करवा दिया। इनफैक्ट भरत अब भी हमारी हिरासत में है और इस वक्त हमारे साथ है। ये काम आपने किया है, इसलिए गिरफ्तार भी आप ही को किया जाएगा और केस भी आप ही पर चलेगा। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मैडम जी, हमें लगता है कि मैनेजर साहब सच कह रहे हैं। इनको बिल्कुल भी उन नोटों के बारे में कदापि नहीं पता। ये निर्दोष है। अच्छा, और ये बात तुम किस बुनियाद पर कह सकते हो? मैडम जी, सीधी सी बात है। हर बैंक में डेली कैश के चार्ट बनते हैं, जिसमें डेली कैश कलेक्शन के रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें अलग अलग फिगर के नोट रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे कि 100 के, 200 के, 500 के और 2000 रुपए के नोट। लेकिन यहाँ पर मैनेजर साहब के लॉकर से जो नोट मिले हैं वो सिर्फ 2000 रुपए के नोट हैं। तो सवाल ये है कि कैशियर द्वारा मैनेजर साहब को वो सारा कैश कलेक्शन सौंपने के बाद और मैनेजर साहब को सारा कैश कलेक्शन अपने लॉकर में रखने के बाद ये सारे अलग अलग फिगर के नोट सिर्फ 2000 रुपए के फिगर में कैसे हो गए? और इसका सीधा सा जवाब ये है कि किसी ने इनके लॉकर से असली नोट निकालकर नकली नोट इनके लॉकर में रख दिए। मुझे फंसाया गया है। मैं निर्दोष हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहा है। थैंक यू सर। कहाँ चला गया तू यार? तू तो एक फरिश्ता है। कमाल की बात है ना कि आपका इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ इतनी सी बात समझ नहीं पाया, लेकिन इस हिंदी भाषी की वो बात समझ में आ गई और अब वो आपके लिए फरिश्ता बन गया है। किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए काबिल दिमाग और सुलझे इंसान की जरूरत होती है। पता नहीं इस पर चोरी का इल्जाम कैसे आते आते उस पर भी आते। उससे पहले हमें ये पता लगाना है कि आपको किसने फंसाया, किसने उस तिजोरी में नकली नोट ला कर रखे। जल्दी से बता दो किसने किया है ये कांड, वरना ऐसा बवंडर मचा देंगे ना। हाँ, बवंडर कह रहे हैं हम कि सब कुछ हिला डालेंगे। हमने चुराए हैं पैसे। अच्छा, हे शिवजी, ये तो आधे पैसे हैं। आधे कहाँ हैं? ये इनके पास है। क्या कह रही हो? अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। मुझे फंसाया जा रहा है। सर, बिलीव मी, आई एम इनोसेंट। सीरियसली, डोंट हैव एनी मनी विद मी। यहाँ है, यहाँ है। हटो 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 हटो, बाकी पैसे यहाँ है। इनके घर से, इनकी तिजोरी से ये पैसे मैंने चुराए और प्रूफ के लिए हमने रिकॉर्ड भी किया है मोबाइल से, क्योंकि ये बाद में कहेंगे आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। नो, ही इज अ चोर। बकवास कर रहा है ये। अरे ये मुझे चोर बोल रहा है? ये तो खुद चोर है। हाँ था। और ये क्या? ये सब के सब चोर है। हम चोर नहीं है। हम चोर को पकड़ने आए थे, जो हमने पकड़ लिया है। हम एसआई करिश्मा सिंह है, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। क्या समझे? हाँ, मैं बाबू कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। हमने बनाया था ये चोरी का प्लान। ये किसे लेके आए? शक्ल देख के क्या लग रहा है? कौन है ये चोर? बस वही है। पर इस चोर को यहाँ क्यों लेके आए हो? मैनेजर का लॉकर खोलना है। एक तो प्रोफेशनल आदमी तो चाहिए था ना, इसीलिए लेकर आए हैं इसको। समझो, गाइड करेगा हम लोग को। लॉकर कहाँ है? अंदर अंदर, आइए आइए। इसको पता चल गया तो क्या ही हो जाएगा? हाँ, कुछ भी तो नहीं हो पाएगा। क्या है कि बैंक तो अपना है नहीं, ये लॉकर जो है ये भी अपना नहीं है। बैंक का लॉकर है, मैनेजर फंसेगा है, पुलिस उसको पकड़ेगी। हम लोग तो एकदम सही। हम लोग पैसा को ना आधा आधा बांट लेते हैं। ये आपका प्लान था? जी, हमारा प्लान था। मतलब यहाँ कोई चोरी हुई नहीं थी कभी? चोरी यहाँ हुई थी। हर रोज हुई थी, लगातार हुई थी और पिछले कई दिनों से हो रही है। और ये सारी चोरियां की थी आपके कैशियर राहुल ने। इसका काम ही यही था। बैंक में जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनके नोटों में नकली नोट मिले हैं ऐसा झूठ बोलकर उन्हें ठग लेना, और इस बात का पक्का सबूत है हमारे पास। इनफैक्ट भरत को भी झूठे इल्जाम में इसी ने फंसाया था। क्यों? बताओ। इसके रहते चोरी करना नामुमकिन था। जरूरत से ज्यादा ईमानदार है ये। फिर इसे पता चल जाता तो सीधे जेल जाता। वाह क्या बात है, इतना ईमानदार एम्प्लॉय को आपने निकाल दिया नौकरी से सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं आता है। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि भाषा किसी का किरदार नहीं बताती, वो तो बस एक दूसरे से बात करने का जरिया है। भाषा की बिना पर नहीं, काबिलियत की बिना पर लोगों को परखना चाहिए। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं भरत को उनकी नौकरी इज्जत के साथ वापस लौटाता हूँ। भरत मुझे माफ कीजिए प्लीज। कोई बात नहीं श्रीमान। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। संतु 409 नंबर का फाइल दो, इसमें से 2-3 चालान गुल है। संतु प्यार है, प्यार नहीं, प्यार है, प्यार नहीं, प्यार है, प्यार नहीं। 409 नंबर का फाइल दो। प्यार है, प्यार नहीं, प्यार है, प्यार नहीं है। संतोष शर्मा, हाँ अगर ऐसी हमारा बात इग्नोर करती रहोगी ना तो जॉब है, जॉब नहीं है, जॉब है, जॉब नहीं है, यही करती रह जाओगी। समझ रही हो हमारी बात? क्या फूल के पत्तों को तोड़ के किसका लव लाइफ का अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पे, हमको भी पता चले। आपके और हमारे, हाँ क्योंकि आपको हमारे साथ कितना लगाव है ये तो सब जानते ही हैं, इसलिए गुलाब की पंखुड़ियों से पूछ रहे थे हम। नाम है आपका पुष्पा और बातें ऐसी कांटों की तरह चुभती है ना आपकी कि क्या बताएं आपको। नहीं क्या चल क्या रहा है, ये थाना है या फिर गार्डन है ये? ओहो, हम शिवजी से पूछ रहे थे कि डीएसपी सर और हसीना मैडम के बीच में कुछ होगा कि नहीं। नहीं हो सकता उनके बीच में कुछ। देखो उनके बीच में ना सावधान, विश्राम, जय हिंद यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हो गया तो वो सिर्फ सल्यूट, समझ गए? अच्छा मुझे तो लगा वो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है ना पुष्पा जी। अरे हाँ हाँ एकदम राम मिलाई जोड़ी है, जैसे हम और हमारे लल्ला के पप्पा थे। सुनिए दोनों की दोनों हमारा बात, 100% गलत है ये बात, समझ गए? एक बार को लखनऊ पुलिस और कानपुर पुलिस वो एक हो जाए, लेकिन मैडम सर और अनुभया कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैडम सर को जैसा लड़का चाहिए ना वो क्वालिटीज जो है वो अनुभया में दूर दूर तक नहीं है, समझ गए? अगर आप इतना सब कुछ जानती हैं तो ये भी बता दीजिए ना कि मैडम सर को लड़के में क्या क्या विशेषताएं चाहिए जो आपके भैया में नहीं है। अम्मी आप तो जानते ही हैं। अच्छा ठीक है, लड़का कैसा भी हो उसमें जज्बात जरूर होना चाहिए। वो औरत की ताकत को समझे या ना समझे, औरत को बस कमजोर ना समझे। और हाँ, बच्चों से प्यार होना चाहिए और खास तौर पर अपने देश से प्यार होना चाहिए। ठीक है, अब समझ गए, अब आपको याद रहेगा। अल्लाह करे कि तेरी ये ही सारी ख्वाहिशें तुझे एक ही लड़के में मिल जाए, जैसे गई रात मेरे सपने में ताजमहल आया था। और तुझे तो पता ही है कि जब जब मैंने सपने में ताजमहल देखा है तब तब कोई अच्छी खबर मिली है। हो सकता है इस बार तुझे तेरा शाहजहां मिल ही जाए। हाँ आपको ताजमहल दिखा मतलब हमें तो शाहजहां मिल ही गया, समझो। आप बात करेंगे अम्मी? हमारे ड्राइवर साहब को हमारी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता चल जाए इससे पहले प्लीज हम फोन रख दें। जी खुदा हाफिज। और जहाँ तक हम अपने अनु भैया को जानते हैं ना उनमें ऐसा खूबी दूर दूर तक नहीं है, समझ गए? कैसी बहन है आप? बहन वो होती है जो अपने भैया के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, और देखो ये बहन है जिसको अपने भैया में कोई खूबी नजर नहीं आती। वेरी बैड करिश्मा मैडम। क्या बात का फालतू में बवाल बना रही हैं आप? क्या कहा है हमने? हमने यही कहा ना कि मैडम सर को जैसा लड़का चाहिए वैसी खूबियाँ अनु भैया में नहीं है। क्या गलत कहा हमने? कई बार प्यार होने के बाद खूबियाँ नजर आती है करिश्मा मैडम। बस एक बार डीएसपी सर और हसीना मैडम में प्यार हो जाए, फिर देखना हसीना मैडम को सारी खूबियाँ नजर आएंगी, डीएसपी सर नहीं आएगी। 6-7 जन्म निकल जाएंगे तब भी नहीं आएंगी ये खूबियाँ उनमें, समझ गए आप? और ये गुलाब के टोटकों से अगर शादियाँ होती ना तो ये सरकारी दामाद की जगह ना बिल्ला किसी का प्राइवेट दामाद होता, समझे? हेलो, मुझे किसी ने याद किया? नहीं, तुम जो कर रहे थे वो करो, सो जाके जाओ, नींद नहीं आ रही है। मैडम मैडम आप अपनी कोयल की आवाज में लोरी सुना दो ना। बेटा तुमको लखनऊ का ऐसा लोरी सुनाएंगे ना कि तुम्हारे कान से ऐसा धुआं निकलेगा कि क्या बताएं। ओहो, पहली लाइन में ही मेरी आंखें भारी हो गई। थैंक यू मैडम, गुड नाइट। नहीं, आप लोगों को और कुछ काम नहीं है इस मुद्दे के अलावा इस थाने में? हाँ हाँ है भाई है, हमारे पास बहुत काम है। आज हमें हेडक्वार्टर जाना है कुछ पुराने केसेस की फाइल रिपोर्ट्स लेकर, जो विस्तार से सिर्फ हमें ही पता है। तो हम निकले, जय हिंद मैडम। जय हिंद।